सो फाइनली गाइज मैं सोकर उठ चुकी हूँ और वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और हमारे घर मेहमान आ चुके हैं, आपको उन मेहमानों से पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये देखो हमने मेहमान, एक ये है मेहमान, एक ये है, एक ये है। हेलो बोलो कोई। हेलो, सत श्री अकाल। गोपी ने सच्चे उन्हें ट्यूशन जाना आज तो। अच्छा, ट्यूशन लाया नीरज को। अच्छा, घर में जो मेहमान है वो आ चुके हैं और अब ये लोग पी रहे हैं चाय। और चाय पीना सबसे सही लगता है, वही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। मेरी भी चाय आ चुकी है बिकॉज मैंने वो नहीं करा, मतलब खाना खाया था कि उसके बाद मैंने कुछ पिया नहीं था। अब चाय का टाइम हो गया तो जब चाय पी रहे हैं। ये देखो कितनी अच्छी चीज़ है, ये इनकी खातिरदारी देखो कितनी अच्छी हो रही है, खा भी नहीं रहे लोग। सो फाइनली अब हम कहाँ को जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं खेतों की तरफ बिकॉज नानी को तोड़ना है धनिया। और आपको हम अपने जो खेत हैं उनका भी थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं, सारे तो नहीं बिकॉज हम पास में जा रहे हैं, खेत तो बहुत दूर दूर है। सो जहाँ पर भी हम जाएंगे वहाँ पर आपको दिखाएंगे। सो लेट्स गो विद अस। सो ये हमारे बड़े नाना की हवेली है, ये इसको हम हवेली कहते हैं, ये हमारी पंजाबी लैंग्वेज हवेली होती है। आधी ब्लॉगर बताऊँ कौन है, मेरी अद्धी ब्लॉगर नानी है, नानी को सारा पता है। नानी दसो की लग गया, दसो जरा मेनू हिंद पंजाबी से बोलो। हाँ पंजाबी से बोलो। हाँ बताऊँ लग गया, आओ वे बूटा बखा के ने बताऊँ वे लग गया। सो ये देखो बताऊँ लग गए, देखो कितने लगे बैंगन। ये देखो ये आपने बहुत कम देखा होगा, जिन्हें आप पंजाबी जो बोल लीद है पाथियां। आप पाथियां दा वो बनाया की बनाया नानी की? गीरा बनाया गीरा। आप तो अब हम यहाँ पर से अपना लेते हैं एग्जिट, को कर दिया हमने बंद। आप दे हवेली च साडी हवेली इधर नहीं है, बड़ा पैड़ी वेली इधर है। तो तुम लेके आप आए हो अभी। हल्दी यहाँ पर लगी हुई है। ये देखो अमरूद का पेड़ है लग रही। झोने की पनीरी है, मतलब ये इसका पौधा है। और बाद में जब ये सीजन टू सीजन डेवलप होता जाएगा तो ये किस में बन जाएगा? चावल में, जिसको हम बोलते हैं पंजाबी लैंग्वेज चौल, चोना चौल बोलता है कणक। अगर आप हिंदी बोले तो गेहूँ बोली दें। तो हूँ यदी वढ़ाई होने वाली, बस थोड़ा दिन टूर करा देते हैं आज बिकॉज आज मुझे नानी लेके आई है कि तुम यहाँ पर जाके ब्लॉग बनाओ, तो मैं यहाँ पर आके ब्लॉग बना रही हूँ। और नानी आज मेरी दूसरी ब्लॉगर है जो मैं सब बता रही हूँ। वैसे ये तो कॉमन चीज है, मुझे पता है। ये देखिए ये बंसी है जो हम जानवरों को डालते हैं। तू खानी मतलब अगर जानवर नहीं है। ये भी एक अब हम आपको दिखाते हैं हमारी वाली हवेली, यानी कि मेरे नाना की हवेली। उसमें आपको क्या क्या दिखेगा दिखाती हूँ, आपको क्या क्या दिखेगा।
ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਤੂੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਕੋ ਹਮ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਰਿੱਪਰ, ਰਿੱਪਰ ਜੋ ਕਿ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਤੂੜੀ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ, ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤੂੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਔਰ ਇਤਨਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਔਰ ਵਹਾਂ ਪੀਛੇ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿੰਪਲ ਕੋ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟਸ ਕਰਤੀ ਬਟ ਕਭੀ ਵੀ ਜਬ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਤੀ ਤੋ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਹੈ ਉਸਕੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਟੱਚ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਹਮ ਉਸ ਪਰ ਓਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ। ਸੋ ਅਬ ਹਮ ਚਲਤੇ ਹੈਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਕੀ ਤਰਫ, ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਵਹਾਂ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਹਾਜ਼, ਚਲੋ ਮਾਰ ਮਾਰ।